बिरगा निवासी मनोज प्रताप सिंह और अन्य साथियों ने आज प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि हमारी भूमि खसरा नाम 7/1 का भाग 7/13 जो मेटल पार्क पहुंच मार्ग के लिए 2008 में लिया गया था, हमें किसी भी प्रकार का नोटिस, पेपर प्रकाशन एवं अन्य किसी सूचना के हमारी भूमि को अधिग्रहित किया गया। खसरा नाम 7/1 के मूल भूस्वामी मंगलदास के नाम पर पेपर प्रकाशन एवं नोटिस दिया गया। बिरगा पटवारी बलराम ध्रुव वर्ष 2017 में खसरा नाम 7/1 में 7/2 का भाग 7/3 का सीमांकन नक्शा बटांकन कर दिया गया। हमारी भूमि मेटल पार्क रोड में प्रभावित ही नहीं हुई है, आज भी पूरी भूमि रिक्त है। उसी रिक्त भूमि खसरा नाम 7/1 के भाग पर अवैध तरीके से खसरा नाम 7/2 का भाग खसरा नाम 7/3 को प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश अवस्थी को सीमांकन नक्शा बटांकन करके आर.आई. पटवारी द्वारा प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश अवस्थी एवं उसके भांजे ललित तिवारी एवं अन्य लोगों के साथ सांठ गांठ करके कब्जा कराया जा रहा है। दुर्गेश अवस्थी एवं ललित तिवारी द्वारा खसरा नाम 7/1 की भूमि को 7/3 बताकर अन्य लोगों को धड़ल्ले से बेचा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी भूमि बची हुई है, इसलिए शासन द्वारा दी गई राशि को संपूर्ण ब्याज सहित वापस करने के लिए हम तैयार है। जो अनैतिक तरीके से भू अर्जन किया गया है, उसकी त्रुटियों को सुधार किया जाए एवं हमारा नाम पुनः खातों में दर्ज किया जाए एवं दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही की जाए। एक किस विषय को लेकर आप लोग आज कॉन्फ्रेंस? सर, हमारा 2008 में भू अर्जन हुआ था मेटल पार्क पहुंच मार्ग के लिए, रोड लिया गया, जमीन लिया गया था मेटल पार्क पहुंच मार्ग रोड के लिए, क्योंकि वो रोड में जमीन हमारी प्रभावित ही नहीं हुई मौके पर, आज भी वो खाली पड़ी है। और उस टाइम अक्वायर करते समय गलती की गई थी आरआई पटवारी द्वारा, और अभी उसी ज़मीन को उठा करके पटवारी द्वारा 2017 में किसी अन्य व्यक्ति को, जो अलग खसरे की रजिस्ट्री है उसकी, उसको उठाकर उस ज़मीन में बिठाया जा रहा, नमन तड़ा और बटांकन करके उसमें बिठाया जा रहा। सर, कौन बैठा रहा है? पटवारी और आरआई वगैरह करके उसमें बटांकन कर दिया गया, मौके पर कब्जा भी दिया जा रहा, जा करके बताया जाता है कि 7/3 हमारी 7/1 ही, और 7/1 की भूमि है वो, उसमें 7/3 जो 7/2 का हिस्सा है उसको 7/1 में बिठाया जा रहा। कहाँ की भूमि? ये बिरगांव की है जी। हमारी ये मांग है कि हमारी ज़मीन अगर प्रभावित नहीं हुई रोड में, तो हमारी हमें ज़मीन वापस की जाए, और जो भी उसका जो कंपनसेशन जो दिया गया था शासन द्वारा, वो हमें वापस करके और हमारे नाम से वो दोबारा रिकॉर्ड में चढ़ाया जाए उस ज़मीन को, और जिसकी ज़मीन गई है उसको मुआवजा दिया जाए। हमारी ज़मीन पे क्यों बिठाया जा रहा? गलती की गई थी शासन द्वारा, पटवारी द्वारा, आरआई द्वारा, हम लोग क्यों सफ़र करें? सर, कब का बात है ये? 2008 की बात है सर, और अभी हमें पता लगा है इसका, इसी मार्च में पता लगा है। तो तहसीलदार साहब से जाकर मिले तो उन्होंने ये बोला कि आप इसको पुनरीक्षण में डाल दीजिए, पुनरीक्षण में खारिज होने के बाद आपकी ज़मीन खारिज हो जाएगी। उसके बाद आप, हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ मांग किए थे, लेटर दिए हुए हैं, तो उनका कहना है कि इसमें इंक्वायरी करवा रहे हैं, बट दुर्गेश अवस्थी जो वहाँ पे केस जीत गया है और उसको ज़बरदस्ती बिना कागज देखे रिकॉर्ड बिना देखे इन लोगों ने उसका, पंच भाई साहब ने उसको पास कर दिया। और फिर हम लोग मिले, जब सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो बोले कि जो गलती हो गई उस टाइम, और हमें अनुभव नहीं था इसका। कौन बोला कि गलती हो गई? ये पंच भाई साहब बोले हैं। ये कौन है पंच भाई साहब? ये एक अपर कलेक्टर प्रभार में है अभी इस टाइम। परिचय? मनोज प्रताप सिंह। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.